इसी जी 103 में जो है यहाँ पे ये जो दोनों कातिल हैं यहाँ ठहरे हुए थे। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बेसमेंट है इसी खालसा। तो देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको सीमावास सीधी, जहां पर डीजीपी ओपी सिंह भी मौजूद है और जो कमलेश तिवारी के परिजन है वो भी वहां पर मौजूद है। उनकी मां है, उनकी पत्नी, उनका बेटा है जो सीएम योगी आदित्यनाथ से देखिए मुलाकात कर रहे। लाइव तस्वीरें भारत समाचार पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सीमावास पे, जहां पर मुलाकात करते हुए कमलेश तिवारी के परिजन और देखिए कुछ समझाने की कोशिश भी सीएम योगी आदित्यनाथ को की जा रही, जिसमें आप तस्वीरों में देखिए उनकी मां बैठी हुई है, उनका बेटा वो वहां पर बैठा है और उनकी पत्नी वो भी वहां पर बैठी हुई है। और साथ ही साथ अब सीएम योगी आदित्यनाथ को तमाम वो बातें होंगी जो वो इस वक्त समझा रहे हैं, बता रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उन बातों को बखूबी सुनते हुए ध्यानपूर्वक और वो भी ये कोशिश कर रहे होंगे कि उनकी बातों को समझे और जल्द से जल्द उनका निस्तारण किया जाए। डीजीपी ओपी सिंह भी वहां मौजूद है। इससे पहले हमने आपको दिखाई कि हमारे सहयोगी अनूप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, जहां पर वो होटल था, जहां पर उन लोगों ने कमरा ले रखा था, कमरा नंबर G103 में उन्होंने रूम बुक कराया। और उसके बाद जैसा कि होटल के मैनेजर थे वो बता रहे थे कि उन्होंने बिना चेक इन किए और बिना पेमेंट किए वहां से निकल गए। कहा कि हमने सूचना दी जब हमें फुटेज मिली, लेकिन देरी हो गई, अगर शायद पहले सूचना दी जाती तो वो पकड़े जाते। हमारे साथ संजय सिंह चौहान भी मौजूद है सीएमआवास के बाहर, वो भी इस वक्त बने हुए हैं। संजय देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को सीएमआवास के अंदर की, जहां पर ये मुलाकात चल रही है भारत समाज